नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी कब डिविडेंड देने वाली है। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर डेट हर कंपनी की हम कैसे देख सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये समझने के पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिविडेंड व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट कंपनी गिव्स टू इट्स शेयर होल्डर। डिविडेंड एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर के बीच में बांटती है। ठीक है, उसे ही बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब यह है कि जो कंपनी प्रॉफिट करती है वही कंपनी डिविडेंड देती है। लॉस मेकिंग कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी कब डिविडेंड देने वाली है। चलिए वो हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी कब डिविडेंड देने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में आना है। सिंपल, गूगल में आप सिंपल टाइप कीजिए डिविडेंड डिक्लेयर। ठीक है, आप जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर लिखोगे, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप डिविडेंड डिक्लेयर लिख के क्लिक करते हो गूगल में, तो ये कुछ ओपन होगा। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल वाली आपको वेबसाइट ओपन करना है। सबसे पहले नंबर पर आ रही है moneycontrol.com। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर मनी कंट्रोल, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको सामने ही आपको पूरा मिल रहा है। जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक करके आप अंदर आए, तो आपको यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है कि कौन सी कंपनी कब कब डिविडेंड देने वाली है। ये पूरी कंपनी की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, पूरी कंपनी की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। SCL टेक्नोलॉजी है, बजाज हेल्थ केयर है, बजाज हेल्थ केयर, उसके बाद में पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन है, रंगोली DB कॉरपोरेशन। तो जितनी भी कंपनी डिविडेंड देने वाली, उन सब की लिस्ट आपको सामने नज़र आ रही है। इसके बाद में कंपनी नेम के बाजू में अगर आप देखते हो, तो आपको टाइप दिखाई दे रहा है डिविडेंड का, टाइप क्या है, किस टाइप का डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसका ऐसा है कि इसमें नॉर्मली तीन टाइप के डिविडेंड आपको दिखाई देंगे। सबसे जो ज़्यादातर आपको मात्रा में जो डिविडेंड दिखेगा, वो फाइनल डिविडेंड ही दिखेगा। उसके बाद में दिखेंगे आपको इंटरिम डिविडेंड, कुछ कुछ कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी देती है, जैसे कि आप नीचे देखोगे, और कुछ कंपनी होती है जो स्पेशल डिविडेंड भी होती है। बट नॉर्मली जो डिविडेंड दिया जाता है, वो फाइनल डिविडेंड ही दिया जाता है। बट इनका मतलब क्या होता है, इनके मतलब को भी हम अभी समझ लेते हैं। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है, जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है कि करंट अर्निंग में से डिविडेंड देना। मान लो कंपनी ने अभी करंटली प्रॉफिट बनाई, ठीक है, उसी प्रॉफिट में से कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है, तो उसे बोला जाता है फाइनल डिविडेंड। ठीक है, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर कंपनियां फाइनल डिविडेंड ही देती है, करंट अर्निंग में से ही डिविडेंड बांटती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब सिंपल है, इंटरिम डिविडेंड का मतलब ऐसा है कि कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, वो करंट अर्निंग में से नहीं दे रही है, जो करंटली कंपनी को अभी अभी प्रॉफिट हुआ उसमें से नहीं दे रही है, पुराने प्रॉफिट, पुराने अर्निंग में से कंपनी जो डिविडेंड देती है, उसे बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद में एक और डिविडेंड होता है स्पेशल डिविडेंड। जैसे कि यहाँ पे लिखा बजाज हेल्थ केयर, वो स्पेशल डिविडेंड भी दे रही है। जो स्पेशल डिविडेंड होता है, वो नॉर्मली बहुत कम कंपनी देती है और बहुत कम बार देती है। स्पेशल डिविडेंड, जिसका नाम ही स्पेशल है, तो स्पेशल इवेंट पर ही दिया जाता है। ठीक है, और नॉर्मली जो स्पेशल डिविडेंड की जो अमाउंट होती है, वो नॉर्मल डिविडेंड की, जो फाइनल डिविडेंड होता है, उनकी अमाउंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, स्पेशल डिविडेंड की अमाउंट। और स्पेशल डिविडेंड कब दिया जाता है, स्पेशल डिविडेंड नॉर्मली तब दिया जाता है, मान लो कोई कंपनी है जो अपनी असेट सेल की, ठीक है, असेट सेल करके कंपनी को पैसा मिला है, तो उस केस में कंपनी स्पेशल डिविडेंड दे सकती है। या फिर कोई स्पेशल इवेंट कंपनी में हुआ है, उस इवेंट से कंपनी को पैसा मिला है, तो वो कंपनी डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। तो मतलब कुछ तो भी अलग, ठीक है, जो नॉर्मली कंपनी में होता नहीं है, कुछ तो भी अलग हुआ है, उससे कंपनी को पैसा मिला है, तो एक स्पेशल डिविडेंड की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से डिविडेंड की कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, बट नॉर्मली आप ध्यान में रखिए, जो फाइनल डिविडेंड है वो ही दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है परसेंटेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड का परसेंटेज लिखा हुआ है, मतलब कितने परसेंटेज डिविडेंड कंपनी बांट रही है। ये जो परसेंटेज होता है दोस्तों, ये कैलकुलेट किया जाता है कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू पे, ना कि शेयर की करंट मार्केट प्राइस पे। शेयर की करंट मार्केट प्राइस पे ये परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ये जो परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, कंपनी शेयर की फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लो कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 5% डिविडेंड कंपनी दे रही है। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है कि कंपनी की अगर फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो 10 रुपये का 5% कंपनी डिविडेंड दे रही है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ 170% भी एक कंपनी डिविडेंड दे। अब 170% का मतलब क्या है, कंपनी की फेस वैल्यू मान लो 10 रुपये होंगी, तो 170% कंपनी डिविडेंड दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, 100% भी यहाँ पे डिविडेंड दे रही है। 100% का मतलब क्या है, कंपनी की फेस वैल्यू अगर मान लो 10 रुपये होंगी,
तो 10 रुपये का ही कंपनी डिविडेंड दे रही होंगी, क्योंकि 100% है, ठीक है, 200% है, तो उसका मतलब क्या है, अगर कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है, 200% का मतलब 20 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे रही है, तो फेस वैल्यू पे परसेंटेज कैलकुलेट होता है और फेस वैल्यू पर ही कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अभी देखिए अनाउंसमेंट डेट आ रही है। नॉर्मली कंपनी, जितनी भी कंपनी होती है, वो बहुत पहले अनाउंस कर देती है कि हम कब डिविडेंड देने वाले हैं। अनाउंसमेंट डेट आपको पहले दिखाई देंगी, उसके कुछ महीनों बाद, बहुत दिनों के बाद आपको रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट दिखाई देती है। तीनों डेट का मतलब हम समझ लें, अनाउंसमेंट डेट वो वाली डेट होती है जिस दिन कंपनी डिक्लेयर करती है कि हम कब डिविडेंड देने वाले हैं, कितना डिविडेंड देने वाले हैं, ठीक है, ठीके? ये हो गया अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट होने के बाद में दो डेट होती है, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट। जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है, ठीक है, जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है उसके नॉर्मली एक दिन पहले, एक वर्किंग डे पहले, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिस दिन एक्स डेट है उसके नेक्स्ट वर्किंग डे रिकॉर्ड डेट होती है, जिस दिन एक्स डेट है उसके नेक्स्ट वर्किंग डे रिकॉर्ड डेट होती है। अब ये दोनों डेट का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना हमें जरूरी है। जो डिविडेंड आपको मिलता है दोस्तों, डिविडेंड जो आपके, डिविडेंड जो कंपनी देती है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देती है डिविडेंड का पैसा, ठीक है। तो ये डिविडेंड का पैसा आपको बैंक अकाउंट में मिलता है वो कब मिलता है, जो ये एक्स डेट होती है ना, ये एक्स डेट गुजरने के एक महीने के अंदर, जो एक्स डेट है वो एक्स डेट से एक महीने के भीतर आपको डिविडेंड का पैसा मिल जाता है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि इसी डेट को बैंक अकाउंट में पैसा आपके आ जाएगा, बट नॉर्मली हम ये मान के चल सकते हैं कि नॉर्मल ये देखा गया है कि एक महीने के अंदर अंदर, एक्स डेट के एक महीने के अंदर अंदर डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। और अगर आपको डिविडेंड चाहिए, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको शेयर कब खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो बहुत पहले अनाउंस कर देती है। जैसे कि आप पहले केस में देख रहे हो, 15 सितंबर को कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम डिविडेंड देने वाले, और कंपनी डिविडेंड कब दे रही है, एक्स डेट कब है, 21 अक्टूबर, करीब करीब एक महीने से ज़्यादा का समय आपको मिल रहा है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो जो कंपनी की एक्स डेट है उस एक्स डेट के एक दिन पहले भी अगर आप उस कंपनी का शेयर खरीद लोगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कंपनी ये बोलती है कि जिस दिन रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डिमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए, तभी हम डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल होते हैं और तभी हम आपको डिविडेंड देंगे। तो और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में T+2 में सेटलमेंट होता है, मतलब आज आप शेयर करो तो परसों आपके डिमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाता है, तीनों अगर वर्किंग डे है तो, ठीक है। और देखिए अगर आप एक्स डेट के, मान लो पहला एग्जांपल हम मान के ले चलते हैं, ठीक है, ठीक, सेकंड एग्जांपल हम मान के चलते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें एक्स डेट है 28 सितंबर और रिकॉर्ड डेट है 29 सितंबर, ठीक है, क्योंकि दोनों वर्किंग डे है, ठीक है। अभी देखिए, अब एक्स डेट है 28 सितंबर, ठीक है, अगर आपको इस कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो आपको 27 सितंबर के दिन वो शेयर खरीदना पड़ेगा, या उसके पहले आप कभी भी खरीद सकते हो, 26 को भी खरीदोगे, 25 को भी खरीदोगे तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा, बट मिनिमम आपको 27 सितंबर तक वो शेयर खरीद लेना पड़ेगा। अगर आप 27 सितंबर के दिन वो शेयर खरीद लेते हो तो ऑटोमेटिक 29 सितंबर के दिन वो शेयर आपके डिमैट अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि T+2 में सेटलमेंट होता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। 27 तारीख का सेटलमेंट 29 तारीख के दिन होगा, तो 29 तारीख के दिन आपके डिमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा, और 29 तारीख तो रिकॉर्ड डेट है, उस कंपनी की रिकॉर्ड डेट है, तो ऑटोमेटिक आप कंपनी के शेयर होल्डर कहलाओगे और आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आपको इस तरीके से डिविडेंड मिलता है। तो ये एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नॉर्मली जो एक्स डेट होती है, एक्स डेट के एक दिन बाद, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे रिकॉर्ड डेट होती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे समझना जरूरी है कि जो डिविडेंड है, जब एक्स डेट होती है, ठीक है, उस एक्स डेट के दिन क्या होता है कि जितने अमाउंट से कंपनी ने डिविडेंड दिया है उतने अमाउंट से शेयर प्राइस एडजस्ट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो 10 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया और जिस दिन एक्स डेट है उस दिन जब ट्रेडिंग होगी स्टॉक मार्केट में तो 10 रुपये नीचे वो शेयर खुलेगा। मान लो 100 रुपये उस कंपनी का भाव है, क्लोजिंग भाव 100 रुपये, और कंपनी ने 10 रुपये डिविडेंड दिया तो वो खुलेगा ही 90 रुपये पे, उस दिन 90 रुपये पर ही वो ओपन होगा, क्योंकि डिविडेंड एडजस्टमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 रुपये शेयर नीचे गिर गया, उसका भाव बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा है, वो एडजस्टमेंट है। कंपनी जितने अमाउंट का डिविडेंड देती है एक्स डेट के लिए उतने अमाउंट से वो शेयर नीचे ओपन होता है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर ये बंदा कोई सोच रहा है कि मान लो कंपनी तो बहुत पहले डिविडेंड अनाउंस कर देती है, मान लो कोई कंपनी 50 रुपये डिविडेंड दे रही है, 100 रुपये डिविडेंड दे रही है, तो मैं बहुत सारे उस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ, मुझे डिविडेंड का पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल उसे पैसा तो मिल जाएगा, एक्स डेट के एक दिन पहले खरीदेंगे तो डिविडेंड का पैसा तो उसे मिल जाएगा, बट जितना पैसा उसे मिलेगा डिविडेंड के रूप में उतने ही पैसे से एक्स डेट के दिन वो शेयर नीचे खुलेगा,
मतलब उसके हाथ में अल्टीमेटली कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ, बट एक सेंटीमेंट के लिहाज से हम देख सकते हैं कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो अच्छी कंपनी होती है, भले ही हमें आज कुछ नहीं मिला बट आगे जाके हमें मिल सकता है, क्योंकि डिविडेंड दे रही है तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, आगे इनका शेयर प्राइस बढ़ सकता है, वो सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छा हो सकता है, बट तुरंत इमीडिएट गेन आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये जो डिविडेंड का पैसा है मुझे आसानी से मिल जाएगा और ये मेरा प्रॉफिट रहेगा, वो मिल जाएगा पैसा बट उतने ही अमाउंट से शेयर नीचे खुलेगा, तो आपको इधर इधर लेना है और उधर देना है, तो आपका हाथ में कुछ बचता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में एक और डाउट होता है कि जैसे कि हमने तो शेयर खरीद लिया एक्स डेट के पहले शेयर खरीद लिया, रिकॉर्ड डेट के दिन हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर था, हम तो एलिजिबल थे डिविडेंड मिलने के लिए, ठीक है। अब रिकॉर्ड डेट गुजर गई बट डिविडेंड तो हमें मिला नहीं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि डिविडेंड एक महीने के बाद मिलता है, रिकॉर्ड डेट गुजरने के एक महीने के अंदर अंदर आपको डिविडेंड मिलता है। रिकॉर्ड डेट गुजर गई, दो दिन हो गए, चार दिन हो गए, पाँच दिन हो गए, तो बहुत सारे लोग इस डर के मारे शेयर बेचते नहीं है कि उन्हें लगता है कि रिकॉर्ड डेट तो गुजर गई बट डिविडेंड मेरे बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आया तो मैं शेयर बेच नहीं सकता हूँ, अगर मैं शेयर बेचूंगा तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, रिकॉर्ड डेट गुजरने के बाद, ठीक है, रिकॉर्ड डेट के नेक्स्ट डे से या रिकॉर्ड डेट के दिन भी, रिकॉर्ड डेट के नेक्स्ट डे से आप अगर शेयर बेच भी दोगे, मान लो रिकॉर्ड डेट आ जाए कल आप शेयर बेच भी दोगे तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा। सिर्फ रिकॉर्ड डेट तक आपको शेयर अपने डीमैट अकाउंट में रखना है, रिकॉर्ड डेट एक बार निकल गई उसके बाद आप वो शेयर को बेच भी दोगे तो भी आपको डिविडेंड का पैसा मिलेगा, क्योंकि आप एलिजिबल हो चुके हो। रिकॉर्ड डेट के दिन सिर्फ कंपनी देखती है आपके डीमैट अकाउंट में शेयर है क्या, आपको मार्क लगा देते हैं आप एलिजिबल हो, आपको डिविडेंड का पैसा मिलेगा। उसके बाद में तो कंपनी ये नहीं देखती है कि रिकॉर्ड डेट के बाद इस बंदे ने शेयर बेच दिया तो इसको डिविडेंड मत दो, ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड डेट के दिन आप एलिजिबल थे तो आपको 100% उसका डिविडेंड का पैसा मिलेगा, भले ही आप रिकॉर्ड डेट के बाद वो शेयर को बेच दो तब भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझा कि कंपनी कब कब डिविडेंड देती है, कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड की डेट क्या है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग लग रही है इसमें मुझे, वो ये है कि डिविडेंड का अमाउंट, ठीक है, डिविडेंड का परसेंटेज तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे बट डिविडेंड का अमाउंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो भी आप देख सकते हो, अगर आप bseindia.com की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डिविडेंड का अमाउंट भी मिल जाएगा, उस शेयर आप देखोगे तो इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, अब यहाँ पर वो अमाउंट नहीं दिख रही है बट ठीक है, वो अमाउंट आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि परसेंटेज दिया हुआ है तो कंपनी की फेस वैल्यू आप पता कर लो, फेस वैल्यू का उतने परसेंटेज से कैलकुलेट करो तो आपको डिविडेंड का अमाउंट पता चल जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो।